नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विदित एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि धारा 13(4) के अंतर्गत अगर बैंक आपको सरफेसी एक्ट की नोटिस भेजती है, आपने कोई भी सिक्योर लोन लिया है और आपने डिफॉल्ट कर दिया है और आपने अपना EMI पे नहीं किया है और बैंक ने आपके अकाउंट को NPA घोषित कर दिया है और धारा 13(2) की नोटिस बीत चुकी है और अब धारा 13(4) की नोटिस आपके ऊपर आई है, तो धारा 13(4) की नोटिस को आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं और कैसे आप स्टे के लिए एप्लीकेशन DRT में फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि सर, एक तरफ हम बैंक से DRT में केस लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बैंक हमारे जो भी प्रॉपर्टी को हमने मॉर्गेज किया है उस पर फिजिकल पोजेशन के लिए DM के पास एप्लीकेशन फाइल कर दी है और DM के पास से ऑर्डर निकल चुका है, तो अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करें, क्योंकि DRT से हमें स्टे नहीं मिला है, तो क्या बैंक हमारी प्रॉपर्टी को लॉक करके उसका ऑक्शन कर सकती है? तो ऐसे कंडीशन में आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, तो आपको आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बताने वाले हैं कि क्या बैंक ऐसा कर सकता है। अगर बैंक ऐसा कर सकता है तो आपको रिलीफ कैसे मिल सकती है, अगर आपके पास धारा 13(4) की नोटिस आई है तो आप उसको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि DRT के प्रोसीजर के बारे में नहीं पता है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम DRT के प्रोसीजर को डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन को फाइल करना है, कैसे स्टे एप्लीकेशन फाइल करना है, क्या बैंक आपके प्रॉपर्टी पे फिजिकल पोजीशन ले सकती है जब आपका केस DRT में चल रहा है। तो दोस्तों बहुत ऐसे कंफ्यूजन भरे क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, तो आपके क्वेश्चन का जवाब आज के इस वीडियो मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन का आंसर 1 by 1 हम आपको देते हैं। दोस्तों अगर आपने कोई भी सिक्योर लोन लिया है और आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है और आपने 3 month की EMI नहीं दी है, EMIs और इंटरेस्ट आपके बिजनेस लोन में होता है और EMI आपके जो भी होम लोन होता है, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन होता है, और आपने 3 महीने में नहीं दिया है, 3 महीने तक नहीं दिया है, तो ये हो गया है डिफॉल्ट और आपका अकाउंट हो गया है NPA। अब बैंक आपको सरफेसी एक्ट में सेक्शन 13(2) की नोटिस भेज दी है जो कि 60 डेज तक वैलिड है, और जैसे ही ये 16 डेज कंप्लीट होता है सेक्शन 13(4) की नोटिस आपको आ जाती है जो कि सिंबॉलिक पोजीशन की नोटिस होती है, सेक्शन 13(4) सिंबॉलिक पोजीशन की नोटिस। अब इसी नोटिस को आपको चैलेंज करना है, कैसे चैलेंज करना है, कहां चैलेंज करना है, ये भी हम आपको डिटेल से बताते हैं। तो जब आपको सरफेसी एक्ट की धारा 13(4) की नोटिस आती है तो जिस दिन से नोटिस आएगी, मान लीजिए कि 1 January को आपको नोटिस मिली, तो 1 January से 45 days के अंदर में, अंडर 45 days आपको इसको चैलेंज करना है। कहाँ चैलेंज करना है? DRT में आपको चैलेंज करना है। DRT का मतलब होता है द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, यानी कि एक ऐसा कोर्ट जहां पे बैंक और बॉरोअर के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करने का केस वहां पे लगता है। आप अपना केस DRT में फाइल कर सकते हैं, आपको सिविल कोर्ट में नहीं जाना है, सिविल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बार्ड होता है, सिविल कोर्ट आपको नहीं जाना है, आपको जाना है DRT में सेक्शन 17 के अंतर्गत, यानी कि धारा 17 जो कि सरफेसी एक्ट का है वो ये कहता है कि अगर बैंक ने आपके ऊपर कोई भी 13(4) की नोटिस भेजी है तो आपको धारा 17 के अंतर्गत DRT में 45 दिनों के अंदर रिलीफ के लिए एप्लीकेशन फाइल करना है, अपील फाइल करना है। यहां तक ये सारी बातें कॉमन है,
हर कोई जानता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, कॉमन बात है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है कि जब लोगों को यही नहीं पता होता है कि जब वो डीआरटी में केस फाइल करते हैं, ऐसे फाइल करते हैं, बैंक के खिलाफ कोई भी रिलीफ के लिए केस फाइल करते हैं, तो वो सबसे पहले क्या फाइल करें। देखिए वहां पे लोग ऐसे फाइल करते हैं, सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं, ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीगल टर्म है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो ये आपके एडवोकेट आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे आपको इसके साथ साथ एक स्टे के लिए एप्लीकेशन भी फाइल करना है, स्टे एप्लीकेशन। अब स्टे एप्लीकेशन क्या होता है, स्टे आपको अपनी प्रॉपर्टी पे जो सिंबॉलिक पोजीशन बैंक ने लिया है धारा 13(4) के अंतर्गत सिंबॉलिक पोजीशन के अगेंस्ट में आपको यहाँ पे स्टे एप्लीकेशन फाइल करना है, और यहाँ पे अपने लोन अमाउंट का 25% पे करके आपको स्टे ले लेना है। लेकिन लोग यहीं पे गलती करते हैं, स्टे एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हैं। स्टे एप्लीकेशन नहीं फाइल करेंगे तो उसका नुकसान सबसे पहले ये होगा कि बैंक आपके प्रॉपर्टी पे फिजिकल पोजीशन ले लेगा। वह ये नहीं देखेगा कि हमारा केस आपके साथ डीआरटी में चल रहा है, और फिर वह डीएम के पास एप्लीकेशन तो फाइल कर ही दिया है, ऑर्डर भी वहां से करा देगा, और फिर आपके प्रॉपर्टी पे वो फिजिकल पोजीशन ले लेगा। तो प्रॉपर्टी पे आपके फिजिकल पोजीशन एक बार हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि आपका प्रॉपर्टी लॉक हो जाएगा, हो सकता है कि वो आपका घर हो जहां पे आप रहते हो, तो फिर आप उसको अनलॉक कराने के लिए अलग से लीगल चार्ज आपको देने होंगे, जो कि काफी महंगे होंगे, तो जिसका बर्डन, जिसका भार आपके कंधों पे होगा। तो आपको 13(4) की नोटिस को जब आप चैलेंज करेंगे तो स्टे एप्लीकेशन जरूर फाइल करिए। स्टे एप्लीकेशन नहीं फाइल करेंगे तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी पे फिजिकल पोजीशन भी ले लेगा, उसका ऑक्शन भी कर लेगा, उसमें कोई भी डीआरटी का रोल नहीं होगा, क्योंकि डीआरटी सीधे कहेगी कि आपके एडवोकेट ने या फिर आपने कोई भी स्टे एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है। केस चलने के दरमियान भी आपका फिजिकल पोजीशन हो सकता है, ऑक्शन हो सकता है, तो यहाँ पे बहुत ही सावधानी से आपको डीआरटी में केस फाइल करना है और आपको स्टे एप्लीकेशन फाइल करना है, नहीं तो दोस्तों आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।